एक अहम जानकारी हम आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए हर कोई स्मार्ट यूज़र है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक किया जाता है, लेकिन आप घबरा जाते और आपको पता भी नहीं होता कि आखिरकार आप लोग क्या कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि हर एक तक की इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। आपको बता दूं कि अगर कोई भी शख्स किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करता है तो उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 662 ऑफ आईटी एक्ट इम्प्रीमेंट, यानी कि 3 साल तक उसकी जेल हो सकती है, 2 लाख रुपए उसको जुर्माना हो सकता है, या दोनों मिल सकते हैं। खाली अगर वो आपका फेसबुक अकाउंट हैक करे, आपको करना कुछ नहीं है। साइबर पुलिस जोन कश्मीर की अगर बात करें, अगर आप कश्मीर के तो वहाँ पे चले जाइए, या आपके ज्यूरिसडिक्शन में या आपके स्टेट के अंदर या आपके इलाके के अंदर अगर साइबर पुलिस स्टेशन जहाँ भी है, आपको वहाँ कंप्लेंट लेकर जानी है, कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करानी है। तो उसके बाद जो भी शख्स उस हैकिंग में मुलव्वस पाया जाएगा, एक तो 2 लाख रुपये उसको जुर्माना देने हैं और साथ ही साथ में 3 साल की जेल हो सकती है। दूसरी चीज़, इसमें आप अकाउंट हैक करने के बाद अगर, या अकाउंट हैक करने से पहले किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ हैरेसमेंट या क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जाती है, जिसमें बहुत सारे ऑफेंसेस सामने आते हैं, तो उसमें अंडर सेक्शन 506 के तहत अगर वो प्रूव हुआ कि ये इस औरत को, इस लेडी को, इस लड़की को, इस बच्ची को हैरेस कर रहा था, तो 506 के तहत उसे 7 साल की जेल लग सकती है। 7 साल की जेल के साथ, और उसके अदर फैक्टर्स भी हैं जो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ एलिगेशंस क्या है। और अगर ये प्रूफ हुआ कि वाकई में ये शख्स या ये हैकर इस औरत को, इस लेडी को, इस लड़की को हैरेस कर रहा है, आप साइबर क्राइम के थ्रू कंप्लेंट करके उस पर 506 सेक्शन के तहत 7 साल की उसको जेल लग सकती है। और कम से कम उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, अगर देखिए आप लोग को हैरेस किया जाता है, आप लोग को ब्लैकमेल किया जाता है, आप लोगों की फेसबुक अकाउंट को अगर हैक किया जाता है, आप घर में ना बैठे, आप एक सिंपल कंप्लेंट लेकर साइबर पुलिस स्टेशन जाइए, साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट सबमिट कराइए। जो कोई भी, जिसने भी आपका अकाउंट हैक किया हो, 3 साल की तो जेल होगी, 2 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। अगर कोई हैरेसमेंट कर रहा है, 506 के तहत 7 साल की जेल होगी, और उसके ऊपर फाइन कितना होगा वो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा। ये एक अहम जानकारी है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में अगर देखा जाए इस वक्त के दौर में, चाहे माइनर्स की बात करें या मेजर्स की बात करें, हर एक स्मार्ट यूज़र है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता है, और उनके लिए अहम जानकारी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आगे जो कुछ जम्मू कश्मीर में होता है, सबसे पहले हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर श्रीनगर।